नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आज जिस शख्सियत से मैं बात करने जा रहा हूं, उनको आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे अवार्ड से उनको नवाजा गया है, फिल्म फेयर अवार्ड हो, नेशनल अवार्ड हो, लेकिन अब उनके साथ एक और अवार्ड जुड़ गया है और वो है पद्मश्री। और हम बात कर रहे हैं पद्मश्री रवीना टंडन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रशांत, और आई एम सो हैप्पी एटलीस्ट ये जीतने से आप आए तो मेरे घर मेरे लिए मेरे से इंटरव्यू लेने। हाँ प्रशांत जी, नहीं बट मुझे ये बताइए कि जब आपको ये खबर का पता लगा तो एग्जैक्ट रिएक्शन आपका क्या था, आप कहाँ थी, क्या कर रही थी और आपके परिवार में क्या रिएक्शन था? वेल एक्चुअली मुझे प्रेस से ही पता चला एंड मैं भोपाल में एक वेडिंग पे थी और मुझे एक फ़ोन आया और बोले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो। मैंने कहा काहे के लिए? बोले यू जस्ट वन द पद्मश्री। सो आई वाज लाइक व्हाट, ऐसे एक मिनट ना आई कॉल यू बैक। मैंने फ़ोन रखा, मैंने रीमा को बोला, मैं कहा रीमा फ़ोन लगा कहीं, देख कहाँ, कुछ टीवी खोल, कुछ कर, मुझे बता क्या हो रहा है। तो शी सेड मैम हम लोग को तो अभी तक कुछ खबर आई नहीं है एंड आई डोंट थिंक इट वाज ऑन द टीवी बट आई थिंक सम लिस्ट हैड बीन रिलीज्ड। सो आई सेड बिकॉज ऋषभ का फ़ोन आया था, सो ही सेड देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ लिस्ट। आई सेड ओके यू सेंड मी द लिस्ट बिकॉज आई हैव नो आइडिया। So then he sent me some site. He said, "You check on this site. It's there on this site." Some. So then Reema checked and she said, "Yes, congratulations, ma'am, and this and that and all." And then, so the phone didn't stop ringing. आपका reaction क्या था? ये क्या किया आपने? Sink in करना कितना मुश्किल था या विश्वास नहीं हो रहा था? I just missed my father. That's it. My first reaction was like, I miss my dad. And I think that's why it's not sinking in also that much, because I think I'm still in that whole thing that I wish I'm just being honest with you because it's you. I can tell you. जी जी. Yeah, but my first reaction was I missed my dad. वो आपने बोला भी है और उसके बाद जाहिर सी बात है, मतलब ये थोड़ा सा, और अनिल जो है, जो आपके हस्बैंड है, वो थोड़े से कम बोलते हैं, थोड़े से बहुत ही कम बोलते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं। मैं हम दोनों का डोज कंप्लीट कर लेती हूँ बोलने का। बट आपने जब उनको बताया तो उनका उनका क्या रिएक्शन था? एग्जैक्ट आप सामने थे, ही वाज लाइक व्हाट, पद्मश्री यू बीन शॉर्टलिस्टेड और यू नॉमिनेटेड और हैव यू वन इट? आई सेड आई हैव वन इट। ओके वेयर, व्हाट मतलब यू वन फ्रॉम वेयर? आई सेड आई थिंक ऑन द लिस्ट इट्स रिटन महाराष्ट्र। सो ही आस्क्ड मी दैट मींस यू वन ओनली इन महाराष्ट्र? आई सेड नो, आई सेड आई थिंक आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, दैट्स व्हाई, बिकॉज़ आई एम महाराष्ट्र बॉर्न एंड ब्रॉट अप। आई सेड इट्स अ पैन इंडियन। सो इट वाज आई थिंक इट वाज वेरी एक्सिलरेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस, दो आई थिंक अनिल हैज बीन द बैकबोन कंप्लीटली, बिकॉज आई मीन आफ्टर सीइंग द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेज दैट आई हैव गिवन एंड ऑल, एंड ही वाज इवन फॉर अरण्यक एंड इवन आफ्टर KGF 2, ही वाज लाइक देयर इज नो टू वेज दैट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड। एंड प्रशांत आप जानती हैं कि ये पूरा साल एक्चुअली अवार्ड्स का ही रहा है, फ्रॉम फिल्म फेयर टू HTOTT टू मिड डे आइकॉनिक टू दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, इट हैज ऑल बीन जस्ट अ ईयर ऑफ अवार्ड्स एंड बट दिस इज द एब्सोल्यूट सोने पे सुहागा जैसे बोलते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फील करती हैं पद्मश्री लेने के बाद? अभी तो और भी केयरफुली फिल्में चुननी पड़ेंगी। अभी तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है एंड नहीं तो कभी कभी वन जस्ट डज अ फिल्म फॉर द यू नो फन ऑफ इट, कि किसी फ्रेंड के लिए कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब तो बिल्कुल ही वन हैज टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द काइंड ऑफ यू नो स्क्रिप्ट, बिकॉज देर इज अटन अटन रिस्पेक्ट दैट गोज विद द वर्ड पद्मश्री एंड इट्स अमेजिंग एंड I thank I am so grateful and I thank the nation and I thank our government and I thank my fans and my well-wishers who have supported me all along and through this, and it's been overwhelming how all my friends from the industry has also been calling me and wishing me on, whether it's Farah, Sanju, Juhi, Shilpa or Yash also called me. Yash was the first person to call me actually. मैं बता दूं लोगों की, यश जो KGF चैप्टर 2 में इन्होंने किरदार निभाया था, उसके जो हीरो थे उन्होंने उनको, he was the most excited actually. जी. He said, "Ma'am, didn't I tell you?" Because he watched the rushes KGF 2 जब रिलीज होने वाली थी, he said, "Ma'am, you've killed it. अगर आप हर अवार्ड नहीं लेके जाएंगी ना इस फिल्म के लिए, मैं अपना नाम बदल दूंगा." He was the first person to tell me that. So he said, "Didn't I tell you? Didn't I?" I said, "Yeah, okay, thank you." But मुझे बताइए कि आपके पहले हीरो का फोन आया नहीं आया?
Salman, I haven't spoken to, no. जी. But Sanju has called and I think everyone's mostly called and जी. message. आ जाएगा उनका भी जल्दी ही आ जाएगा. Because everyone, जी. all of whom I know. Yes. जी. But मुझे ये बताइए इसके अलावा एक और चीज आपके साथ जुड़ी. आप W20 जो delegates में हैं, आपका नाम है, आप वहाँ जाने वाले हैं, delegates, first delegates from Bollywood. So उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? वो एक जिम्मेदारी आपके कंधों पे कैसे आई है और किस तरह से आप जेंडर इक्वालिटी या बाकी चीज़ों की बात करेंगे? आई थिंक इन 2019 और समथिंग आई वॉज अवॉर्डेड द प्रेजिडेंट्स अवार्ड फ्रॉम द वुमेन एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री फॉर द वर्क दैट आई हैव डन फॉर द गर्ल चाइल्ड. आप तो जानते ही हैं राइट फ्रॉम द टाइम आई एंटर्ड द इंडस्ट्री एंड इवन उसके पहले से आई बीन वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चिल्ड्रन एंड इट्स बीन अ कॉज क्लोज टू माई हार्ट. चाहे वो उस विषय में फिल्म्स बनवाऊं या किस तरीके से मैसेजेस दूं या एक्चुअल रियल में. आप जानते ही हैं कि आई इवन हाउस्ड 30 चिल्ड्रन इन माय ओन बंगलो जब उनके लैंडलॉर्ड ने उनको निकाल दिया था. फिर उनके लिए ऑर्फनेज पूरा खड़ा किया वसई में. हमने प्रिया दत्त को इनवाइट किया था ऑर्फनेज इनॉग्रेट करने के लिए. तो ये सब काम मैं अपने आप में कर चुकी हूँ एंड आई थिंक. लेकिन आपको मालूम है मेरी PR मशीनरी कितनी ख़राब है. आप जानते हैं प्रशांत, मैं कभी कुछ PR नहीं करती हूँ या मैं इनके बारे में मीडिया को नहीं बुलाती हूँ कि देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया या मैंने ये किया. जी जी जी. मैं अपने आप में काम करती हूँ. तो जब ऐसे में जब एक्चुअल वर्क उसको रिकग्निशन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है एंड एक मोटिवेशन मिलता है हमको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी के काम करने का. और यू नो कि आप और किसी की तरह एंड आई फील किसी की भी ज़िंदगी में एक छोटी सी भी चेंज या डिफरेंस आप ला सकते हैं तो हर एक को अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए. अगर आप सोच लो कि अगर सब ठान लें दुनिया में कि मैं अपनी सैलरी में से हर महीना 100-100 रुपए निकाल के एक डब्बे में डाल दूंगा या 200 निकाल के रख दूंगा. आजकल तो वो भी वैल्यू कम है एक्चुअली, पर कुछ लोगों के लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ है. तो उतने निकाल के रख दूंगा. आप एक साल में जो जमा है आप जो भी आपके लोकल ऑर्फनेज हैं उनको जाके किताबें खरीद के दे दीजिए, उनको पेंसिल्स दे दीजिए, उनको यू नो टिफिन बॉक्सेस दे दीजिए. इट मेक्स अ डिफरेंस. और अगर हर एक कोई करे, जितनी भी आपकी सैलरी हो, आपकी अगर 5,000 की भी सैलरी हो तो आप 50 रुपये निकाल के रखिए. अगर आपकी 10,000 की सैलरी हो आप 100 रुपये निकाल के रखिए. आई फील दैट वे एवरी वन कैन मेक अ डिफरेंस जितनी अपनी हैसियत है. अगर हम सब ये करने लगे जो कमा रहे हैं लाइफ में तो व्हाट अ चेंज इट विल मेक टू द वर्ल्ड. बिल्कुल बिल्कुल. पर कोई सोचते नहीं है. सब सोच रहे करना चाहते हैं चैरिटी लेकिन कहाँ करें, किधर दें, हमको पैसे नहीं देने. आप बेशक पैसे मत दीजिए बिकॉज कभी कभी बहुत फ्रॉड भी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता है पैसे कहाँ जा रहे हैं. तो आप एक्चुअली मटेरियल चीजें खरीद के दीजिए. यू नो एक्चुअली बाय मटेरियल थिंग्स एंड गिफ्ट. तो एक चीज मगर आपसे आज के टाइम में पूछूं कि जब आपको 30 साल के आपके काम के लिए अवार्ड मैं कहूंगा मिला है, आप जब देखती हैं तो या मैं आपका करियर देखता हूं तो एक तरफ आपका जो एक इमेज आता है वो आता है मस्त मस्त गर्ल भी आता है, आँखियों से गोली मारे भी आता है, किसी होटल में जाए भी आता है, दूसरी तरफ शूल आता है, दूसरी तरफ सत्ता है ना, और इस तरह की फिल्में भी आती हैं. तो आज की डेट में जब आप अपना पीछे मुड़ के अपना देखती हैं तो आपको लगता है कौन से हाई पॉइंट्स थे आपके लाइफ आपके करियर में? आई थिंक जिस तरीके से मैंने एक बैलेंस आई थिंक कहीं ना कहीं एक बैलेंस पकड़ लिया और एक्सेप्ट की गई. क्योंकि बहुत लोग होते हैं कभी कुछ कॉमेडी में एक्सेप्ट नहीं होते तो सीरियस रोल्स में बहुत एक्सेप्ट हो जाते हैं. अंदाज अपना अपना रहे, दूल्हे राजा रहा, जिद्दी. तो इट ऑल डिपेंड्स के आपको कैसे ऑडियंस भी एक्सेप्ट करती है. एंड मैं आई थिंक वन ऑफ दोस आई कंसिडर माई सेल्फ लकी और ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे हर किरदार में एक्सेप्ट किया एंड बिसाइड्स अपनाने के अलावा आई थिंक सराहाया भी. तो जहाँ आप देखेंगे कि कमर्शियल सक्सेसेस रही हैं उनके लिए मुझे क्रिटिकल अक्लेम के साथ सीरियस रियलिस्टिक फिल्मों में अवार्ड्स भी मिले. नेशनल अवार्ड मिला आपको. एग्जैक्टली, अवार्ड्स भी मिले. तो दोनों एक बैलेंस कहीं ना कहीं पकड़ लिया कि गॉड इज बीन काइंड के कमर्शियल सक्सेसेस के साथ दिस वाज आल्सो. बट आपसे मैं पूछूं, ऑडियंस ने तो सराहा है, आपसे अगर मैं पूछूं आपका पर्सनल फेवरेट क्या था, वो कमर्शियल साइड रवीना या ये दूसरी रवीना? आई थिंक मुझे रियलिस्टिक सिनेमा करने में ज़्यादा मज़ा आता है. इट्स मच लाइटर, मच ईजियर. बल्कि हैवी कॉस्ट्यूम्स पहन के और इतना मेकअप करके और विग्स पहन के और पूरा दिन 24 घंटे लेबर करना, मतलब डांस जो गाने हम लोग करते हैं उसमें इतनी मेहनत जाती है दैट आई फील इट्स मोर. आई थिंक आर कमर्शियल एक्ट्रेसेस आर मच मच मोर हार्ड वर्किंग than realistic cinema. I, with my experience, that has been.
वो क्या होता है, मेकअप नहीं करो, जूड़ा बांधो, बस अपनी साड़ी पहन लो और जस्ट फोकस ऑन योर सीन. उधर तो यार ये झुमका भारी है, कान फट रहे हैं, घुटने दर्द हो रहे हैं, डांस करते रहो सुबह से शाम, बुखार हो तभी भी रेन सॉन्ग कर रहे हैं, तो उसमें मेहनत बहुत है. एंड हैट्स ऑफ टू ऑल आवर विमेन हु वर्क इन द इंडस्ट्री अगेंस्ट ऑल ऑड्स. एक और चीज अगर मैं आपसे पूछूं, आपने बात की कि इतने सारे लोग यहाँ तक जब आप पहुँची हैं आपके करियर में, कहूँगा उनका भी योगदान रहा होगा आपके फैमिली के साथ साथ. अगर मैं आपको किसी आपके हीरो को मैं बोलूँ जिसने आपको काफ़ी योगदान आपके करियर में बोल सकते हैं, तो कौन होगा वो? आई थिंक ऐसे मेरे करियर में तो योगदान, करियर में इन द सेंस की जो लोग आपको हमेशा एक अच्छी सलाह, आपको एक हमेशा अच्छे दोस्त. मैंने वही किया जो मुझे करना था जी, बट दोस्त बहुत हैं मेरे एंड फिल्में बहुत की हैं मैंने, चाहे वो संजू हो, सलमान हो या सुनील हो, या सबके साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें की हैं. बट आई डोंट थिंक, आई थिंक एट अ सर्टेन टाइम व्हेन आई नीडेड इट, नाना गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस. नाना गुलामे मुस्तफा की थी, गुलामे मुस्तफा विद हिम एंड ही यूज्ड टू सिट विद मी एंड टॉक टू मी अबाउट द सीन्स. देन कमल हसन जी, so these are two individuals whom I can say I've learned, and then I will also say that I've learned a lot from Chichi Govinda the comic timing. तो ये तीनों से थोड़ी बहुत मैं always influence हुई हूँ. जी, अगर आपकी फिल्म के जो करियर है इस पार्ट की हम बात करें जिसमें आपने अरण्यक भी किया है OTT प्लेटफॉर्म पे, आपने और भी फिल्में आप कर रही हैं और की हैं, तो अगर मैं आपके इस पार्ट की बात करूं तो आपको KGF चैप्टर 2 भी है उसमें. सो बहुत एक पूरे टाइम, अभी लास्ट ईयर हमारा बहुत ख़राब गया बॉलीवुड का, लेकिन अभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जी बहुत ज़्यादा, और हमेशा साउथ और नॉर्थ का बहस चल रहा था. सो जब आप साउथ में खुद आपने काम कर लिया है और काम करने के बाद वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई और आप यहाँ से आती हैं, क्या ये डिवाइड जायज है और क्या इस तरह की बातें बॉलीवुड बॉयकॉट और इस तरह की बातें होनी चाहिए? डिवाइड आई डोंट थिंक इज देयर ऑनेस्टली. कुछ प्रोटेस्ट तो सदियों से चलते आ रहे हैं, कुछ न कुछ कारण मिल जाते हैं किनको प्रोटेस्ट करने के लिए, तो वो तो होते आ रहा है, हर बार एक नया रीज़न होता है. मैं उनमें बिलीव नहीं करती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी ऑफ दैट कैन स्टॉप अ फिल्म. आई थिंक बल्कि फिल्म को ज़्यादा पब्लिसिटी और मिल जाती है जिन लोगों को मालूम भी नहीं, पठान को लेके लोग यही बोल रहे हैं, जिन लोगों को मालूम भी नहीं कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है वो और ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है, लोगों को बाजे ये फिल्म रिलीज हो रही है जाके देखेंगे. जिनको थिएटर जाना है वो जाएंगे, जिनको फिल्म देखनी है वो जाएंगे, जिनको हीरो हीरोइंस पसंद हैं वो जाएंगे. अगर फिल्म आपकी अच्छी हो तो उस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता है. फिल्म बकवास हो तो बहुत सारी एक्सक्यूजेज हो जाएंगी कि अरे उन्होंने ऐसे कर लिया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इसलिए फिल्म नहीं अच्छी नहीं चलेगी. फिल्म अच्छी है चलेगी, प्लेन एंड सिंपल. बट मुझे अगर एक छोटे उसमें मैं पूछूं संक्षेप में कि साउथ में काम करके और हिंदी में काम करके वो क्या डिफरेंस लगता है, कि क्या वजह है कि इतना ज़्यादा लोग करोड़ों रुपये का बिजनेस? साउथ में दे आर स्टिल वेरी डीपली रूटेड टू देयर कल्चर, तो जब वो फिल्म्स बनाते हैं अपने कल्चर और हेरिटेज और उसको लेके, तो जो आम जनता है वो बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर लेती है. हिंदी फिल्मों में कहीं ना कहीं हम लोग मेरे हिसाब से थोड़ा कुछ ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हो गए थे अभी हाल फिलहाल, पिछले 2-3-4 साल की बात में. वो फिर आई थिंक अगेन वी विल गो बैक टू द रूट्स. तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा एक डिस्कनेक्ट मेरे हिसाब से ऐसे लग रहा था कि कहीं डिस्कनेक्ट है जनता को हमारी फिल्मों से, वो कहीं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे. So, and I have been saying this since the 90s actually. I have not been saying this since now. I have been saying it since the 90s when I was doing those kind of films. नहीं, मैं, in fact, and जहाँ आप पकड़े फिल्में जो जैसे दुल्हे राजा हुई, ये हुई, जहाँ immediately जिस तरीके से चिची अपनी बोली बोलते हैं और करते हैं वो ऑडियंस जम जाती है. उसके अलावा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इमोशन और ड्रामा वो बहुत कम हो गया था पिछले 2-3 साल. मे बी आई थिंक कुछ ज़्यादा ही हम रियलिस्टिक और मतलब हम जो इंडियन हमारे इमोशंस हैं जो जिस तरीके से हम हैं वो हम क्या समझते हैं, हम पूरी दुनिया ट्रैवल करते तो हम उनके जैसे हो गए. जो हमारा रूट्स हैं, जो हमारी कल्चर है, उसको हम कहीं अगर पकड़ के रखें तो आई थिंक इट्स बी गुड फॉर अस. जाते जाते 3 छोटे-छोटे सवाल और पूछूंगा मैं आपसे. एक तो ये कि आफ्टर अरण्यक करने के बाद जो OTT प्लेटफॉर्म पे अरण्यक आई थी, आपको बहुत तारीफ मिली उसमें, एक बहुत सारे अवार्ड्स, अभी तक बहुत सारे अवार्ड्स. जी जी,
तो जब आप इस तरह का काम करती हैं और अवार्ड मिलते हैं तो लाइफ के स्टेज पे, लाइफ से मेरा मतलब एज नहीं है, सॉरी, आप नो प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, रीफ्रेज योरसेल्फ अगेन. जी तो आप इस स्टेज पे जाके आपको एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा मिलती है जब इतने अवार्ड्स और अरण्य के किरदार के लिए आपको ऑडियंस से और लोगों से तारीफ मिलती है तो बिल्कुल बेशक मिलती है, बिकॉज अल्टीमेटली आर्टिस्ट नीड दैट मोटिवेशन, नीड दैट कि ओके व्हाट आई एम डूइंग इज इट राइट और इज इट गोइंग रॉन्ग. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि शादी के बाद बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद लोग सोचते हैं अब एक्ट्रेस जो है घर पे बैठ जाएगी, मगर ऐसा नहीं है. यहाँ पे एक और छक्का मार दिया रवीना टंडन ने. आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक बल्कि आई फील इट्स अ ब्लेसिंग के आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, एंड जैसे कि मैंने कहा कि अपना ही गई हूँ. एंड उसके अलावा आई थिंक जहाँ तक कि हर साल, जैसे मैंने कहा कि अरण्या को जितने आई थिंक अवार्ड्स थे, जहाँ जहाँ नॉमिनेट हुआ सब अवार्ड्स जीते हैं अरण्या. ये अवार्ड्स का साल रहा है 22 एंड 23 की शुरुआत इससे हो गई. तो इट्स डेफिनेटली इट्स I can't tell you, I cannot express the feeling. Okay. It's definitely rewarding. आपके चेहरे भी नजर आ रही है. अभी ये साल आपको इंडस्ट्री के लिए कैसा लग रहा है जब पठान ने इतना कमाल कर दिया? आपका ट्वीट भी मैंने देखा. हाँ जी, I think it's time. आपने देख ली फिल्म? हाँ जी, मैं 10:45 का शो गई थी on 25th on Friday. रात को या सुबह? सुबह सुबह. Very good. सुबह का. और मैं तभी शाहरुख को मैसेज कर दिया था. I said you've killed it. अच्छा. वो उसका एक डायलॉग ना के वो जो ऐसे ऊपर देख के बोलता है हिंदी में बोल, मैंने कहा ये पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता. इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता अब. एंड आई टोल्ड हिम, आई सेड इट्स अनस्टॉपेबल. जी, आपको दूसरा एक और हाई मिला होगा जब आपके पहले हीरो और ये शाहरुख दोनों साथ में आते हैं. यार मैंने बोला ना, हमारे करण अर्जुन आ गए इंडस्ट्री को बचाने के लिए. हमारे करण अर्जुन आ गए, मैंने वो भी ट्वीट किया था उसी दिन. आखिरी सवाल जाते जाते फिर मैं आपसे यही पूछूंगा कि पद्मश्री के बाद आपको बहुत ऊर्जा मिली है, तो अब आप और बेहतर काम करेंगे. अब जिंदगी में अगर फिल्म की मैं बात करूं तो क्या ध्येय है, कौन सी ऐसी और इच्छाएं हैं जो अभी फिल्मों को लेकर रह गई अधूरी? ऑनेस्टली मेरी कभी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है, बट हाँ जितने कोशिश करूंगी कि इसी तरह मेहनत करती रहूं एंड अलग तरीके के किरदार निभाऊं. मुझे सेम किरदार निभाने में, उस स्टीरियोटाइप होने में मज़ा बिल्कुल नहीं आता. मैं जितनी कोशिश करती हूँ, जितनी मेरी फिल्में हैं, कि अलग अलग तरीके के किरदार निभाऊं. तो और अब तक वो रहा ही है. अगर एक आसामीज हाउसवाइफ, बैटर्ड हाउसवाइफ दमन में प्ले किया, तो एक बिहारी हाउसवाइफ बिहारी भाषा के साथ शूल में प्ले किया, अरण्यक में हिमाचली कॉप प्ले किया, अक्स में अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड क्लब डांसर का रोल किरदार निभाया. सो इट्स बीन गुड फॉर मी. आई थिंक एवरीथिंग हैज वर्क्ड फॉर मी, वेदर इट्स बीन ग्लैमरस और इट्स बीन रियलिस्टिक और इट इज सो ऑल आई कैन से इज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट माय वर्क हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड आई विल जस्ट वर्क हार्डर, विल मेक मी वर्क हार्डर. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले, फिर हम यहीं बैठे चाय पीने का मौका मिले. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू.